नए साल में ओप्पो ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन जिसका नाम है ओप्पो F15। अब ये स्मार्टफोन 19,990 रुपए में आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसका मतलब ये है कि Redmi K20 और Realme X2 इन दोनों स्मार्टफोन्स को ये टक्कर दे रहा है। तो क्या ये फ़ोन Realme और Redmi के फ़ोन से अच्छा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे Oppo F15 के वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे पास Oppo F15 का यूनिकॉर्न वाइट रंग वाला यूनिट आया था जो दिखने में काफी अच्छा है। इसमें एक लैमिनेटेड बैक है और ग्लास नहीं है। ये फोन काफी पतला है और हल्का भी, जिसके कारण इस्तेमाल करना काफी कंफर्टेबल हो जाता है। फोन के दोनों तरफ ग्लॉसी साइड्स है जिसके कारण Oppo 15 हाथ से थोड़ा फिसलने लगता है। काफी लंबा है ये स्मार्टफोन, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो है इसका और इसके डिस्प्ले का साइज है 6.4 इंचेस। आपको AMOLED पैनल मिलता है इसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में और साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी दिया गया है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस हमें काफ़ी अच्छी लगी, धूप में भी कुछ चीज़ें पढ़ते समय या फिर वीडियोज़ देखते समय हमें कोई तकलीफ नहीं आई और शार्पनेस और कलर्स भी काफ़ी पसंद आए हमें। ऊपरी हिस्से में थोड़ा बड़ा नॉच है इसमें सेल्फी कैमरा के लिए और नीचे काफ़ी बड़ा चिन्ह भी दिया गया है। Oppo F15 के फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक सिस्टम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी तेज़ी से अनलॉक कर देता है ये और फेस अनलॉक रात में भी चल जाता है। मीडिया प्लेबैक के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा चल जाता है। फुल HD वीडियोज़ इसमें काफ़ी अच्छे दिखते हैं, कलर्स अच्छे थे उनमें और व्यूइंग एंगल्स में हमें काफ़ी पसंद आए। मोनो स्पीकर इसका काफ़ी तेज़ हो जाता है लेकिन बेस कम हो जाता है उसका। पावर और वॉल्यूम बटन्स की प्लेसमेंट हमें काफ़ी पसंद आई और निचले हिस्से में एक हेडफोन जैक है, USB टाइप सी पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल भी है। इसमें एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया गया है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करें तो ColorOS 6.1.2 है इसमें और वो Android 9 Pie पर आधारित है। हमारे रिव्यू यूनिट में जनवरी 2020 का सिक्योरिटी पैच था जो बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादा कुछ नया तो है नहीं यहाँ पर बात करने के लिए सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप हमारे दूसरे Realme और Oppo फोन के रिव्यू को देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए। Oppo ने F15 में MediaTek Helio P70 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। अभी हमने ये प्रोसेसर 10,000 रुपये से कम के फ़ोन्स में भी देखा है, तो 20,000 रुपये वाले Oppo F15 में से नहीं होना चाहिए था। इस स्मार्टफोन का एक ही वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। इसे इस्तेमाल करते समय हमने हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, कैमरा का हैवी यूज़ किया हमने और गेम्स भी काफ़ी हद तक खेले, तभी भी हीटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आई। पबजी मोबाइल बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पर चल जाता है और उसमें गेम प्ले काफ़ी स्मूथ लगा हमें। Asphalt 9 Legends जैसे गेम्स भी काफ़ी अच्छे चले लेकिन ग्राफिक्स थोड़ा कम हो गया था उनका। Oppo F15 की बैटरी लाइफ हमें काफ़ी पसंद आई, हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में 14 घंटे और 48 मिनट तक चलाइए। रेगुलर यूसेज में भी हमने देखा कि एक दिन से ज़्यादा तो चल ही जाता है ये। अब बॉक्स में 20 वॉट का चार्जर दिया गया है जिसके द्वारा हमने Oppo F15 को आधे घंटे में 47% तक और एक घंटे में 88% तक चार्ज कर लिया था। Oppo F15 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो मैक्रो कैमरा का भी काम करता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। दिन में लिए गए फोटोज में काफ़ी अच्छे डिटेल्स देखे हमने लैंडस्केप शॉट्स में, कलर्स काफ़ी अच्छे थे, डिटेल तो अच्छे थे ही, साथ ही साथ नॉइज़ भी बहुत कम था। HDR इफेक्ट थोड़ा और अच्छा हो सकता था लेकिन ओवरऑल अच्छा है ये फोटो काफ़ी। वाइड एंगल कैमरा में ऑटो फोकस है तो इस सेंसर से लिए गए फोटोज़ में डिटेल काफ़ी अच्छी आ जाती है लेकिन मेन सेंसर जितनी अच्छी नहीं। क्लोजअप्स में शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, डिटेल भी काफ़ी अच्छी है और सब्जेक्ट के बहुत पास जाएंगे अगर आप वाइड एंगल कैमरा के साथ में तो बहुत ही बढ़िया मैक्रोज भी मिल जाते हैं इससे। डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा से अच्छा तो यही है जो Oppo ने इधर किया है। लोगों के फोटोज़ अगर आप ले रहे हैं पोर्ट्रेट मोड में तो Oppo F15 में आप ब्लर लेवल एडजस्ट कर सकते हैं फोटो लेने से पहले। एज डिटेक्शन हमें काफ़ी पसंद आया और इमेज क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया थी। लो लाइट में हमने ये देखा कि इमेज क्वालिटी लैंडस्केप शॉट्स में थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, डिटेल्स इतने अच्छे नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी आ जाता है उसमें। नाइट मोड से ब्राइटनेस तो बढ़ जाती है लेकिन डिटेल्स उतने अच्छे नहीं हैं। क्लोजअप्स थोड़े अच्छे थे उससे, डिटेल उसमें थोड़ा बहुत अच्छा था और नॉइज़ भी थोड़ा कम था। सेल्फी कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का है जो काफ़ी अच्छे सेल्फीज़ ले लेता है दिन में, स्किन टेक्स्चर्स को थोड़ा स्मूदन कर देता है लेकिन HDR अच्छा चल जाता है इसका और कलर्स भी काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता है ये। रात में अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो आसपास बहुत ही अच्छी लाइट है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सेल्फी का पोर्ट्रेट मोड हमें इतना पसंद नहीं आया, दिन में और रात में दोनों टाइम ही ठीक से नहीं चल पाया।
ओप्पो F15 सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकता है, लेकिन इसके कॉम्पिटिशन में 4K वीडियो का सपोर्ट है। इसकी वीडियो क्वालिटी औसत से थोड़ी अच्छी है और 1080p में स्टेबलाइजेशन तो है, आपको प्राइमरी कैमरा से शूट करते समय मिल जाएगा। ये वाइड एंगल कैमरा से लिए गए वीडियोज में स्टेबलाइजेशन नहीं है। लो लाइट में इसकी वीडियो क्वालिटी काफी खराब है और शिमर इफेक्ट बार बार आती रहती है थोड़ा भी अगर आपने मूवमेंट किया तो। आप 1080p तक सेल्फी कैमरा से भी वीडियो ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। ओप्पो F15 दिखने में काफी अच्छा है और ओप्पो F11 के लिए अच्छा अपग्रेड है। ये 20,000 रुपए से कम के सेगमेंट में काफी ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन्स आ चुके हैं अभी, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ओप्पो F15 का प्रोसेसर Realme X2 और Redmi K20 जैसे स्मार्टफोन से बहुत ही ज्यादा वीक है। इसका नया कैमरा सेटअप तो अच्छा है, लेकिन इमेज और वीडियो क्वालिटी उतने अच्छे नहीं है जितने आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे दूसरे स्मार्टफोन्स में। ओप्पो F15 का डिजाइन काफी अच्छा है, दिखने में बहुत ही बढ़िया है ये, साथ ही साथ काफी हल्का और पतला भी है। इसका डिस्प्ले भी मुझे काफी पसंद आया, लेकिन Redmi K20 और Realme X2 इन दोनों स्मार्टफोन्स को ये टक्कर नहीं दे सकता है क्योंकि इसका प्रोसेसर काफी वीक है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप उन दोनों स्मार्टफोन्स को ही लीजिए, सिर्फ अगर आपके लिए लुक्स मायने रखती है तो ओप्पो F15 आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो gadgets.ndtv.com/hindi पर जरूर जाएं, और इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं।